This video is sponsored by V-Card. क्या राजस्थान में ठीक यही स्थिति अशोक गहलोत के लिए भी है, जो अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को ज्यादा तवज्जो देते रहे, अंत अंत तक इसी तरह के बयान आते रहे कि भाई मैं तो कुर्सी छोड़ दूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। तो क्या सेंट्रल लीडरशिप के लिए यही दुविधा, यही संकट राजस्थान में भी अशोक गहलोत के लिए कि इसके बावजूद अशोक गहलोत को हटा पाने की स्थिति में पार्टी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई दुविधा अशोक गहलोत को राजस्थान लीडरशिप के लिए नहीं है, क्योंकि पार्टी लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, तन के साथ मन को जगाओ V-Guard वाटर हीटर्स के संग V-Guard, तो वो बनना नहीं चाहते थे। और क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का पद अपने पास रखना चाहते थे, राजस्थान में उनकी जड़ें मजबूत रहनी चाहिए, क्योंकि वहां उनके राइवल हैं, जो मानते हैं वो है सचिन पायलट। तो जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से मना किया तो अशोक गहलोत और कांग्रेस हाईकमान के बीच में थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई, थोड़ी सी डिस्टेंस आ गया। उस डिस्टेंस को मैनेज करने के लिए अशोक गहलोत ने 6 महीने में तरह तरह की जो है योजनाएं और फ्री जो घोषणाएं उन्होंने की है। लेकिन अशोक गहलोत को ये मालूम है कि अगर सरकार कांग्रेस अगर वहां जीत भी जाती है तो अशोक गहलोत को सीएम नहीं बनाया जाएगा, इस बात का एहसास अशोक गहलोत को है। हाँ। ये बात वो जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कांग्रेस जीतती है तो भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, ये उनको मालूम है, ये वो जानते हैं, अंदर से उनको इस बात का डर है, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में सिद्धारमैया के साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर जिस तरीके से उनके साथ मजबूती से खड़े थे, उतनी मजबूती से राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के स्टॉलवर्ट लीडर और बड़े बड़े नेता नहीं थे। दूसरी गलती अशोक गहलोत की भी है कि अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान के इलेक्शन को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बना दिया, I, me और myself, इसमें समेट के रख दिया। कांग्रेस दहाई के आंकड़े में रह जाती है। वहां पर क्या कांग्रेस को कुछ गेन इन राज्यों के विक्ट्री से नजर आ रहा है? एक तो पहली बात की विधानसभा, आशुतोष जी ने बहुत अच्छा कहा कि विधानसभा जो चुनाव में जीत हो या हार हो उसको 2024 की जो प्रधानमंत्री वाली लोकसभा की इलेक्शन हमारे उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप साउथ इंडिया में कई जगह देखे होंगे उनको सीट एक ही है लेकिन लोकसभा की सीटें ज्यादा मिली है उनको। और मेरा कहना ये है कि आप बता रही हैं कि आपका जो सर्वे एजेंसी है उन्होंने आपको 3 स्टेट में कांग्रेस की बता रही, लेकिन मैंने आपके ऑफिस में अपना प्रेस रिलीज भेज दिया है, तो आप बता रहे हैं कि राजस्थान में जो है तो कांग्रेस बनेगी, लेकिन मुझे तो कांग्रेस राजस्थान में दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, मैंने तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को 104 सीट दिया है, एक तो ये है। मध्य प्रदेश में भी मुझे जो है सो आपको बीजेपी दिख रही है, और जो तेलंगाना की जहां तक बात है वहां तो किसी की सरकार नहीं बन रही, वहां तो हम असेंबली दिख रही है मुझे। और जहां तक बात है 2024 की, तो 2024 की बात यह है कि सबसे पहले की इलेक्शन का मेन एजेंडा होता है कि योर कैंडिडेट, द कैंडिडेट में द फ्रंट फेस इज पीएम कैंडिडेट, तो इधर कांग्रेस पार्टी लीड करेगी या इंडिया अलायंस लीड करेगी, देयर इज अ बिग क्वेश्चन। इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा मोदी के खिलाफ या कांग्रेस का कैंडिडेट होगा पीएम के खिलाफ, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, इसमें ही बहुत सरफुटोबल होगी, क्योंकि जितने भी रीजनल छत्रप हैं वो उसी के साथ प्रॉब्लम है, हर एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में एक एक पीएम कैंडिडेट। लेकिन अगर ये गठबंधन, क्योंकि विधानसभा चुनावों तक का ये कहा गया कि भैया विधानसभा चुनावों में कोई गठबंधन नहीं है, जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिए, अगर सॉर्टेड हो जाता है और वन अगेंस्ट वन का फॉर्मूला है बसंत झा, वो अगर चलता है जिसके लिए तमाम पार्टियां कमोबेश तैयार भी दिखती हैं, तब क्या सिचुएशन होगी? अगर इस विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अगर 3 स्टेट को जीत लेती है तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस चलेगा, इनका एरोगेंस नेचर फिर से रीअपियर होगा,
ये बोलेंगे कि मैं जहां जहां जिस स्टेट में जिस पार्टी को जितना सीट दे रहा हूं, आप मेरी बात मानो, मैं इतने पे लड़ूंगा, आप लोग इतने पे लड़ो। उधर ममता दीदी छिटक जाएगी, बोलेगी नहीं ऐसे नहीं होगा। इधर केजरीवाल छिटक लेंगे, बोलेगा मैं भी नहीं मानता। नीतीश कुमार ने ये जाति जनगणना और ये सब करके तो सोचा कि हमने बहुत बड़ा जो है सो काम किया है। वाकई में ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड है हिंदुइज्म को काउंटर करने के लिए। इधर जो बीजेपी और मोदी का हिंदुत्व का है 2024 के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ये जो जाति जनगणना है, अच्छा है। लेकिन उस जाति जनगणना से बिहार में नीतीश कुमार को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है जितना फायदा कि आरजेडी और कांग्रेस को हो रहा है। तो 2024 में सबसे पहले तो ये देखना होगा कि मोदी के सामने कौन ठीक फर्स्ट है। क्वेश्चन। हाँ, तो ऐसे में दूसरा श्रेयस जी श्रेयस सरदेसाई, क्या ये अब बड़ी दुविधा इंडिया ब्लॉक में भी है क्या कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।